मायावती ने पीएम के बयान पर किया पलटवार, कहा नरेंद्र का मतलब होता है निगेटिव, दामोदर दास का मतलब दलित और मोदी का मतलब है मैन। साथ ही प्रधानमंत्री को बताया दलित विरोधी आदमी। उरई में पीएम नरेंद्र मोदी का बीएसपी पतंज, कहा बीएसपी के कारनामों से बदला बीएसपी का नाम, अब बहनजी संपत्ति पार्टी होना चाहिए बीएसपी का नाम। सीएम अखिलेश यादव ने अपील करते हुए अमिताभ बच्चन पर कसा तंज, कहा गुजरात में ना करें गधों का प्रचार, गुजरात टूरिज्म के ऐड में है बिग। सुप्रीम कोर्ट की शरण में गायत्री प्रजापति, गिरफ्तारी पर रोक के लिए दी अर्जी, रेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं गायत्री प्रजापति, अमेठी से हैं सपा के प्रत्याशी। और 1 मार्च से फिर शुरू होगा जाटों का सहयोग आंदोलन, इसके तहत नहीं जाएंगे भरे बिजली पानी के बिल और बैंक के कर्ज, 2 मार्च को दिल्ली जाम करने का भी किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष। यूपी के उरई में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी चुनाव किसकी सरकार बने और किसकी ना बने वहां तक सीमित नहीं है, बुंदेलखंड को यह तय करना है कि सपा बसपा के चक्कर से निकलना है या फिर नहीं, बुंदेलखंड के लोग किसी नेता की ना सुने, मेरी भी मत सुनिए, आप खुद सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ है, जो भी सरकारें आई हैं इन्होंने आपकी कोई गिनती ही नहीं की, लेकिन अब जो सरकार बनेगी उसमें बुंदेलखंड की आवाज़ को सुनने की व्यवस्था होगी, योजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा जिससे हर सप्ताह रिपोर्ट ली जाएगी। पीएम मोदी ने मायावती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बहन जी ने नोटबंदी को लेकर पूरी तैयारी नहीं की थी, नोटबंदी से ज़्यादा परेशानी इन्हें इस बात की है कि इन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला, अब तो बीएसपी का नाम भी बदल चुका है, बहुजन समाज पार्टी इसका नाम नहीं रहा है, ये बीएसपी अब बहनजी संपत्ति पार्टी बन चुकी है। जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, तो सपा बसपा कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब एक ही भाषा बोलने लग गए। और इन नेताओं ने तो क्या कहा, बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी, उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था, ये सप्ताह किसके लिए भाई, ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी, उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया, अक्षर वही है जगह बदल गई, अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहनजी संपत्ति पार्टी के बयान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की परिभाषा भी बदल गई है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शादी की है और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मैंने शादी नहीं की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी की जो परिभाषा बताई है, बीएसपी के जो परिभाषा बताई है, बहन जी संपत्ति पार्टी ये बताई है, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, मूवमेंट पहले है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से खास तौर से पूरे देश में दलित व कमजोर वर्गों के लोगों को
उपेक्षित वर्गों के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, गरीबों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की डेफिनेशन बता दी है, उनका पूरा सही नाम बता दिया है। दलितों के प्रति जो अब तक उनका चाल चरित्र चेहरा और नीतियों नियत रही है उसको ध्यान में रखकर इनका सही नाम क्या, असली नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मिस्टर नेगेटिव दलित में। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बयानों का दौर लगातार जारी है। दरअसल यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को खींचते हुए गुजरात में गधों का जिक्र कर डाला। उन्होंने अपने एक सार्वजनिक भाषण में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम लेकर कहा कि वो सदी के महानायक से अपील करते हैं कि वह गुजरात के गधों का प्रचार न करें। एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन, हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल बच्चों को पास करवाने के लिए शिक्षक यहां बच्चों के भविष्य की कीमत लगा रहे हैं और ये कीमत है महज 500 रुपए। आइए आपको दिखाते हैं नेशन लाइव की ये खास रिपोर्ट। शिक्षक की धांधली, पैसे दो बच्चों को पास करवाओ, बच्चों के भविष्य की कीमत 500 रुपए। जहां गुरु को सर्वोपरि माना जाता है, गुरु पर ही बच्चे का भविष्य निर्भर होता है, वहीं आज के समय में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भोपाल सागर पंचायत समिति क्षेत्र के मोर सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरवा में भूगोल विषय के 12वीं कक्षा के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयु परीक्षक विजय कुमार पेरवा ने उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं ली। 4 घंटे की परीक्षा को 2.5 घंटे में ही खत्म करके परीक्षक ने प्रधानाचार्य से जाते समय प्रति बच्चे को अच्छे नंबर देने की अवज में 500 रुपए की मांग भी की। यहां तक कि परीक्षक असिस्टेंट ने प्रिंसिपल को फोन कर बकायदा खाता नंबर देकर रुपए जमा कराने और इस अवज में बच्चों को 30 में से 29 नंबर तक देने का वादा किया गया। इस पूरे मामले को विद्यालय के प्रधानाचार्य ताज मोहम्मद ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। सर, 5 फरवरी को हमारे यहाँ भूगोल के एग्जामिनर आए थे, पीपल खेड़ा दोसा से मिस्टर विजय कुमार परेवा। तो उन्होंने जो 4 घंटे का प्रैक्टिकल जो है उन्होंने 2.5 घंटे में निपटा दिया, और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो प्रति बच्चे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो प्रति बच्चे के हिसाब से 27 स्टूडेंट थे टोटल, और 27 के 13,500 रुपये बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 13,500 यानी 10,000 रुपये दे दो। रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार परीक्षक और उनके कथित असिस्टेंट द्वारा गिफ्ट और रुपए देने की मांग की गई है। वहीं प्रति बच्चे 500 रुपये के हिसाब से मोलभाव की जाने के बाद मामला 10,000 रुपये में तय हुआ। तो जरा आप भी सुनिए बच्चों की भविष्य का हिसाब। हाँ जी, काकरवा प्रिंसिपल बोल रहे हैं ना? हाँ। ये आपके यहाँ पे वो जो एग्जामिनर आया था वो ज्योग्राफी का? हाँ सर, उसका असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं। लैब असिस्टेंट आया था ना साथ में? हाँ जी, क्या हुआ सर? हाँ बोलिए। डॉक्टर, तो आपके यहाँ से तो कोई वही नहीं है, तो ये तो जो मार्क्स है वो लास्ट 19 नंबर है। हाँ, जैसे आपकी मर्जी, कोई बात नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सुना आपने कि कैसे असिस्टेंट द्वारा खुल्लम खुल्ला बच्चों के भविष्य की कीमत लगाई जा रही है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवगत कराया। पत्र में बताया गया कि 27 विद्यार्थियों की परीक्षा 2.5 घंटे में पूरी कर दी गई और प्रत्येक बच्चे से 500 रुपए की मांग की गई है।
हमने नंबर के बारे में ये कहा है कि एक जैसे कि आप हम आपको आवश्यकता अनुसार नंबर दे देंगे, पर आपके प्रिंसिपल साहब जैसे ट्रीट करेंगे उस तरह से हम आपको मार्क्स देंगे। दरअसल पत्र में दावा किया गया है कि अच्छे अंक देने के बदले में उनके असिस्टेंट ने खाता नंबर भी दिया जिसमें रुपए डालने के लिए कहा गया है। इस मामले में विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़े स्थानीय काकरवा सरपंच रंजन सिंह राणावत को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों सहित मीडिया से जुड़े लोगों को मामले की जानकारी दी। इस दिशा में भी प्रयास किया गया कि दोषी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई हो लेकिन बच्चों के भविष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। माननीय सर प्रधानाचार्य ने एक मामला मुझे मेरे ध्यान में लाया गया कि आज ही एक फोन आया है जिसमें माननीय भूगोल के जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें जो परीक्षक महोदय बोर्ड के द्वारा भेजे गए उन्होंने पैसे की डिमांड की है। अब विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनका कहना है कि परीक्षाएं फिर से ली जानी चाहिए। शिक्षाविदों ने इस शिक्षक द्वारा इस परीक्षा केंद्र और आसपास के कपासर बांसी विजयपुर काकरवा में ली गई परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। न्यूज डेस्क नेशन लाइव। तो शौचालय नहीं बनवाने वालों को सरकारी राशन नहीं दिया जाएगा और ऐसे गरीब परिवारों की पहचान के लिए डिपो धारक राशन कार्ड पे जिला प्रशासन के द्वारा दी गई लाल मोहर का प्रयोग करेंगे और भारत स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाएंगे। इस संबंध में सोमवार को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण डिपो धारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राम अवतार ने बताया कि आगामी 31 मार्च तक समस्त नूह जिले को ODF बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। शौचालय बनाइए और आपके कार्ड पर अगर शौचालय नहीं है तो हम लाल एक मोहर लगा रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पर शौचालय नहीं है तो वो अगली बार जब भी राशन लेने आएगा ये अगले महीने तो वो निश्चित तौर पर जो है ये सुनिश्चित करके आएगा कि आपके घर में शौचालय बना लिया आपने। सोमवार को नूह की नई धर्मशाला में कॉमन सर्विस सेंटर के आड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के तहत सबको घर दिलाने के बदले ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को शहर पुलिस ने पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। इन सदस्यों ने पिछले कई दिनों से लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए की ठगी की है। जानकारी के अनुसार ठग पिछले कई दिनों से नूह की अग्रवाल धर्मशाला में डेरा जमाए हुए थे और घर दिलवाने के बदले हजारों गरीब परिवारों से 150 रुपए के हिसाब से लाखों रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। पुलिस ठगों के प्रति नरम रुख अपनाकर मामले को रफा दफा करने में जुटी है। इस संबंध में जिला प्रशासन में नियुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के प्रभारी ने बताया कि सदस्य फर्जी तरीके से जिले के गरीब परिवारों को मुफ्त मकान दिलाने के सहारे पैसा ठग रहे थे। उन्होंने कहा कि ठगी के शिकार लोगों को पैसे वापस दिलाए जाएंगे। उधर हापुड़ में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरोगा के खिलाफ एक पीड़ित ने एंटी करप्शन को शिकायत की कि पीड़ित की शिकायत पर मेरठ एंटी करप्शन टीम के CO ने अपनी टीम के साथ मिलकर दरोगा को चौकी में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और थाने में लेकर दरोगा से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अधिकारी भी इस पूरे मामले की जाँच में जुट गए। एंटी करप्शन टीम ने पूरा एक ट्रैप किया है मामला और आवश्यक जो कार्रवाई है वो टीम के द्वारा कराई जा रही है। पूरा तो कह रहे विवेचना का विषय है और अभी फिलहाल जो आवश्यक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। निवासी ऐसी थाना क्षेत्र के रामेश्वर नाम है इनका। इनका कोई मुकदमा के विषय में डिमांड की गई थी उनसे नाजायज रूप से पैसे लेने की। उन्होंने सूचना इसके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दी और वो जो सूचना इन्होंने दी उसकी जाँच की गई वो सही पाई गई और उसी क्रम में ये आज जो कि सपनावत पर कंप्लेनेंट रामेश्वर से 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मुकदमा काम करा जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उधर बागपत के खेगड़ा में हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात के बाद गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे हैं और स्कूल कॉलेजों में भी छात्रों की छुट्टी कर दी गई है। पुलिस ने 12 घंटे के बाद शवों को घटनास्थल से उठवाकर पोस्टमार्टम करवाकर उनका अंतिम संस्कार भी करवा दिया है लेकिन हत्या करके फरार हुए आरोपियों का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। घटना की नजाकत को देखते हुए जिले के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ खेकड़ा कस्बे में ही कैंप
किए हुए हैं। हम लोग जानकारी कर रहे हैं और काफी कुछ तथ्य हमारे संज्ञान में आ चुका है। दोहरे हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं उनकी पहचान भी की जा चुकी है, काफी लोगों की पहचान हो चुकी है। शीघ्र गिरफ्तारी करके हम कार्रवाई करेंगे। मृतक इसी कस्बे के रहने वाले हैं। इनके परिवार से एक महिला टाउन एरिया की चेयरमैन है जो नगर पालिका हो चुकी है। रंजिश, पारिवारिक रंजिश है, काफी पुरानी है। उन्हीं बिंदुओं पर भी हम काम कर रहे हैं, अन्य सूत्रों की भी तलाश कर रहे हैं। इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी ही गिरफ्तारी करके। उधर मुरादाबाद में बीती 9 जनवरी को बिना किसी वजह की हुई हत्या की जांच कर रही पुलिस को मौके से एक मोबाइल मिला। पुलिस ने जब मोबाइल की डिटेल निकाली तो वो मोबाइल ई कचरा कारोबारी और नफीस और सट्टा किंग साबिर कालिया का निकला। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो अनीस और नाजिम उर्फ गंजा और नाजिम का नाम सामने आया। पुलिस ने जब कड़ाई से नाजिम उर्फ गंजा और नाजिम से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके साथ ही बताया कि उनको हत्या करने के लिए 50,000 रुपये और बाइक दी गई थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी गोली मारकर हत्या कर देना और उसके पास मोबाइल फेंक देना ताकि ई कचरा कारोबारी और सट्टा किंग साबिर कालिया को फंसाकर जेल भिजवाया जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये 9 जनवरी को विशाल नामक युवक की थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे हत्या कर दी गई थी और तभी से थाना मोड़ा पांडे की टीम और जो जनपद की क्राइम टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा लगातार प्रयास कराया जा रहा था घटना के अनावरण के लिए। उसी के संबंध में एक बड़ी सफलता आज प्राप्त हुई है और दो अभियुक्त नाजिम नाम है नाजिम और गंजा है, दूसरा नाजिम है, इनको गिरफ्तार किया गया है विशाल की हत्या के संबंध में। इसके द्वारा अपने एक प्रतिद्वंदी, एक दुश्मन जो इसको कह सकते हैं, साबिर कालिया और नफीस, जो खुद थाना कटघर क्षेत्र में पहले सट्टे में और ई कचरे में ये लोग भी जेल जा चुके हैं, अभ्यस्त अपराधी ये भी, इनको फंसाने की नीयत से नाजिम जो पकड़ा गया है इसको 50,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल दिलवाए। 50,000 रुपये दिए गए थे, 2 तमंचे दिए गए थे और ये बताया गया था, एक मोबाइल साथ में दिया गया था और ये कहा गया था कि आप एक व्यक्ति को मारेंगे और वहाँ पे मोबाइल डाल देंगे जिस मोबाइल में साबिर कालिया की और नफीस की कॉल डिटेल्स होंगी। और ये प्रयास इनका ये था कि साबिर कालिया को उस हत्या के मुलजिम बनाकर उसके ऊपर एक मुकदमा करवाया जाए और उसको उस मुकदमे में अरेस्ट करवाया जाए। उधर जनपद संभल के थाना स्मोली इलाके के ग्राम भेसोड़ा में अंतर सिंह के बेटे टिंकू की लगन आई हुई थी जिसमें अतर सिंह ने हर्ष फायरिंग कर दी जिसमें पड़ोस के रहने वाली 19 वर्षीय बबली और 2 अन्य घायल हो गए, जिनमें घायल बबली को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां गंभीर हालत होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। बबली के पिता ने थाना स्मोली में मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। ग्राम हैसोड़ा से बोल रहे हैं, थाना असमोली। कैसे लगा इनके? सारे उसके गुनगुन के हाँ भी क्या छोड़े थे लगा था। हर्ष फायरिंग हो रही थी ना, वो सामने छोड़े थे तो वो छोड़े थे। हाँ तो वही लगी। लगन के दौरान उसमें उसने फायरिंग कर दी है जिसमें एक बबली नाम की लड़की घायल हुई है। बबली के पिताजी केवल सिंह ने उसमें एफआईआर इनके खिलाफ मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है। ने कोई अभी आई है उसको मेडिकल करा के उसका उपचार कराया जाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर संभल जनपद में धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर ऐसी बातें करनी है तो चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, ना कि चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए। धर्म गुरुओं का कहना है कि कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन चुनाव के समय ऐसी बात करके प्रधानमंत्री चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल फतेहपुर मैं जो संसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान भी जरूरी है। जहां तक सवाल धर्म को लेकर है तो जिस तरीके से कब्रिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है तो शमशान भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अलबत्ता श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान इस मौके पर आना, चुनाव के मुद्दे को लेकर और जनसभा में ये मुद्दा बना करके रखना, तो ये जहां तक मेरा मानना है कि यहां पर फिर जैसे कि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि धर्म के नाम पर वोट ना मांगा जाए, नजात के नाम पर, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने इस जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज तक देश के अंदर
जो तुष्टिकरण की राजनीति हुई है ये बंद होनी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने अगर ये बयान दिया है कि कब्रिस्तान भी बनने चाहिए, कब्रिस्तान अगर बने हैं तो शमशान भूमि भी बननी चाहिए। मेरा यही कहना है कि यहाँ मनुष्य को मनुष्य रहने दीजिए। इस भारत के अंदर अगर सबके लिए वोट चाहिए, किसी भी धर्म किसी भी जाति का वोट चाहिए, तो केवल मानवीय संवेदनाओं के आधार पर वोट लीजिए, अपने विकास के आधार पर वोट लीजिए, अपने कार्य के आधार पर वोट लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए धर्म और जातियों में बांटना बंद करें। सारे के सारे राजनीतिक दलों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप इस समाज के, इस देश के, इस प्रदेश के गरीबों के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विवादित बयान से देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि शहर और गांव में मैं जहां जहां कब्रिस्तान है वहां शमशान भी होने चाहिए, ईद पर लाइट आती है, होली दिवाली पर नहीं। इसी बयान को लेकर हमारे संवाददाता मिर्जा गालिब ने मुरादाबाद के लोगों से इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। पर यूपी में इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन के मौके पर हमारे इज्जत माँ प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान से मुल्क के अंदर एक माहौल ख़राब होगा और मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन इस बयान पर गौर फिक्र करे, नज़रसानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिपाही ने फ़ोन रिचार्ज न करवाने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोबाइल रिचार्ज ना करवाना पड़ा महंगा, पहले पत्नी को मारा फिर कर ली आत्महत्या। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों पति पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पति चंद्र प्रकाश सेंट्रल जेल में बंदी रक्षक के पद पर तैनात हैं और उसकी पत्नी अर्चना और दो बच्चे उसी के साथ जेल में बने क्वार्टर में रहते हैं। बंदी रक्षक चंद्र प्रकाश के बेटे ने बताया कि रात में करीब 10 बजे पापा ड्यूटी से जब घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरे पिताजी का मोबाइल रिचार्ज क्यों नहीं करवाया, जिसको लेकर बात काफी बढ़ गई और सिपाही ने अपने बेटे के बैट से अपनी पत्नी के सिर और चेहरे पे कई वार किए, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसके बाद सिपाही दूसरी मंजिल की छत पर गया और छत से कूद कर खुद भी खुदकुशी कर ली। नहीं, ऐसी बात होंगे, झगड़ा हो रहा था, उस चक्कर में उन्होंने रिचार्ज की बात थी कि रिचार्ज क्यों नहीं कराया, आज दादा के फोन पे उन्होंने फोन किया था, लड़ाई तो वही भी नहीं, गए उन्होंने पता नहीं क्या गुस्से में उन्होंने बल्ला उठाया और मार दिया उनके मुंह, खुद भाग के गए, ऊपर से कूद गए। दरअसल सिपाही चंद्र प्रकाश शराब का आदी था और आए दिन शराब पी कर अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। इसकी शिकायत अर्चना ने जेल अधिकारी से भी की थी। बीती रात भी सिपाही शराब पीकर घर आया था और उसके बाद मोबाइल रिचार्ज करवाने को लेकर दोनों में जमकर कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ी कि चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों को ही रात में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों मौत की नींद सो चुके थे। पुलिस ने शव का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश का एक 15 साल का बेटा मयंक है जो 11वीं क्लास में पढ़ता है और एक 12 साल की बेटी मान्या है जो 7वीं क्लास में पढ़ती है। हमारी सिस्टर और हमारे बहनोई दोनों लोग एक्सपायर हो गए। अब रात के इनका आपस में झगड़ा हुआ दारू पी करके, इसके बाद में इन्होंने मारा पीटी की, तो इन्होंने जब इतना कस के मारा बैट वाले बल्ले से मारा इन्होंने, तो वो जब ब्लड व्लड वो गिर गई तो इन्होंने जान लिया कि वो मर गई, तब तक इन्होंने तुरंत गेट खोल के ऊपर तीसरी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा ली। जेल का जो आवासीय परिसर है इसमें एक चंद्र प्रकाश गौतम नाम के बंदी रक्षक रहते थे, उनकी अपने शराब भी पीते थे और अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ उनका अक्सर कहासुनी और मारपीट होती थी। उन्होंने अपनी पत्नी को किसी बात को लेकर के बल्ले से पहले मारा, गंभीर अवस्था में जब वो घायल हो गए तो अपने बचाव में वो छत से कूद गए। अस्पताल में दाखिल उनकी पत्नी पहले एक्सपायर कर गई और आज उनके चंद्र प्रकाश गौतम का भी देहांत हो गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ गई है, बाकी उनके परिजनों से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात ने कॉलोनी के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात के बाद से कॉलोनी में सन्नाटा है।
लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों की मौत के बाद अब इनके दोनों ही बच्चे अनाथ हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन लाइव। उधर सहारनपुर के मिर्जापुर थाना इलाके में दो दिन पूर्व 18 फरवरी के गायब आदिल नाम के युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस की पूछताछ में आदिल की हत्या के पीछे जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। आदिल की हत्या उसकी होने वाली पत्नी यानी कि मंगेतर हिना के प्रेमी अफरोज ने अपने दो मामा मारूफ और शाकिर के साथ मिलकर इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है। आदिल की मंगेतर हिना का भी शामिल होना इसमें बताया जा रहा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी अफरोज और उसके दो मामाओं को गिरफ्तार भी किया है। एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है। 18 फरवरी की बात है। थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र का रहने वाला एक युवक जिसकी की शादी तय हो गई थी, कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होनी थी, वो 18 तारीख से गायब था। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई, थाना मिर्ज़ापुर पर। तभी से पुलिस निरंतर घर वालों के साथ उसकी तलाश में लगी हुई थी। ये सूचना प्राप्त हुई, एक जानकारी मिली, एक जो जिस गांव में लड़के की शादी होनी थी, यानी जो लड़की पक्ष वाला गांव था, उसी गांव का एक लड़का अपने दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है इस केस में। वो ये बोल रहा था मुझे कि उस लड़की को भी मैं फांसी चढ़वाऊंगा और तुझे भी पकड़वाऊंगा। क्यों? फिर मुझे उस पर गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या आपका बोलने लगा था। किस चीज़ से मारा तुम लोगों ने? पत्ता से। यूपी के बलरामपुर में पुलिस पर घर में आग लगाकर लाखों का सामान स्वाहा करने वाले चार आरोपियों को संरक्षण देकर बचाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद आरोपी खुलेआम घूमते हुए अब पीड़ित को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। इन आरोपियों को पैसे के बल पर और नेताओं का सहयोग भी मिल रहा है, जिसकी वजह से अपराधियों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल मामला बलरामपुर के समदा गाँव का है, जहाँ पर 11 फरवरी को गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़ित बुधसागर के घर में आग लगा दी, जिसमें बुधसागर की बाइक, थ्रेशर सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इन आरोपियों को भागते समय खुद बुधसागर और गांव के कुछ लोगों ने पहचाना भी। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं पीड़ित बुधसागर सहित ग्रामीणों ने पुलिस और सपा के एक नेता पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। तो राजधानी पटना शराब तस्करों के लिए डेंजर जोन बनती जा रही है, क्योंकि एसएसपी पटना मनु महाराज ने शराब बंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जबरदस्त मुहिम चला रखी है, जिसके परिणाम यह है कि शराब तस्करों की हर चाल उल्टी पड़ रही है। मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के झिझरी बाग इलाके का है, जहाँ पर बिना नंबर प्लेट वाली टाटा वाहन से 200 ml का झारखंड निर्मित 2100 पाउच देशी शराब के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके साथ में मिनी वैन को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो तस्कर जिनका नाम जावेद अंसारी जो कि ड्राइवर है और सहयोगी चुन्नू कुमार पांडे जो कि देवघर से झारखंड निर्मित 200 ml की 2100 पाउच देशी शराब आलू के साथ छिपाकर ले जा रहे थे। इसके गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस ने झिझरी बाग इलाके में वाहन सहित दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो अगर आप बैंक से मोटी रकम निकालने अथवा जमा करने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि बिहार में चर्चित कोढ़ा गिरोह के सदस्यों की शातिर नजरें आप पर हो सकती हैं। इस गिरोह के सदस्य लुटेरे हैं, लेकिन कोई पिस्टल सटाकर नहीं लूटते, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से विचलित करने के बाद उनको अपना शिकार बनाते हैं। समस्तीपुर में हुई इसी गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरी तरह से संदिग्ध थे, जब उनकी विधि सम्मत तरीके से जांच की गई तो उनके पास से पैसे बरामद हुए, कुछ संदेहास्पद चीज़ें जिसके माध्यम से ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट मिले जिसके माध्यम से वो डिक्कियों को तोड़कर और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को तोड़ तोड़ के और जहां पैसा रखा जाता था वहां से पैसा निकाल के और फिर वो भाग जाने में सफल। उधर ताजनगरी आगरा में फिल्म अभिनेत्री जरीन खान को आयोजकों की अव्यवस्थाओं की वजह से बाउंसर की धक्का मुक्की से दो चार होना पड़ा है। जरीन खान आगरा में एक अवार्ड फंक्शन में शिरकत करने आई थी और इस दौरान जरीन खान को बुलाने वाली संस्था ने जरीन खान का दूसरा कार्यक्रम भी लगवा दिया, जिसकी भनक लगते ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। अभिनेत्री की झलक पाने के लिए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बाउंसर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने फिल्म अभिनेत्री जरीन खान के सामने ही प्रशंसकों को दौड़ा दिया
पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह से जरीन खान भीड़ से बचकर निकल सके। आज भी मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला, थोड़ा कियोटिक हो गया, लेकिन इतना प्यार और सपोर्ट देख के अपने फैन से बहुत अच्छा लगता है। आगरा का मैं इंडिया से ही हूँ, मुंबई से ही हूँ, बचपन से यहीं रही हूँ। आगरा का ताजमहल लाइफ में बहुत बार देखा है, आज गिफ्ट मिला है ताजमहल, तो वो घर लेके जाऊँगी जी। वेल आई थिंक आज हम यहाँ पे सात फेरे के लिए आए हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आगरा के यूथ के लिए और जनरली हर यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स में यकीन रखें, किसी भी चीज़ का शॉर्ट कहीं भी अपने ड्रीम्स को पहुँचने के लिए शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से ही आप सब जगह पहुँच सकते हैं। तो इस खबर के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशनल लाइव के साथ। नमस्कार।